वीडियो चला भैया दोस्तों आप देख सकते हो अपने ऑफिस के करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये खेत है और यहाँ पर बगल में ही इन लोगों के घर हैं। तो वैसे खेतों से पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंसान इतना डर जाता है, अपने जानवर यहाँ पर बांधते हैं, गाय भैंस बांधते हैं, तो डर के कारण कहीं काट ना ले, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, तो इसलिए हमें ये रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज़ ये तो खेतों में रहने वाला ही सांप है और जहरीला भी नहीं होता है, देखा जाए तो किसानों का दोस्त ही है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे इसको रेस्क्यू कर लिया है। इसको ले जाकर अब छोड़ेंगे एक जंगल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भूसका जो ढेर था, इसके बगल में एक पॉलीथीन के नीचे छिपकर बैठा हुआ था। लोग आसपास यहाँ पर शोर मचा रहे थे तो ये डर चुका था, तो इसीलिए हमें आना पड़ा। चलिए मैं इसको अब रखता हूँ बैग में और इसको ले जाके एक जंगल में रिलीज़ कर दूँगा। आप देख सकते हैं कितना, मैं जानकारी के लिए आपको बता ही चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में, और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसका नाम इंग्लिश में रेड स्नेक बोलते हैं, हिंदी में इसको घोड़ा पछाड़ और धामिन के नाम से जाना जाता है, और साइंटिफिक नेम प्याज म्यूकोसा। आप देख सकते हैं इस सांप को, थोड़ा इधर उधर चलो मत। तो वैसे तो स्वभाव से ये थोड़ा शांत ही होता है, काटना नहीं चाहता, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाए तो ये काट भी सकता है, लेकिन काटने से कुछ होगा नहीं, एक टिटनेस का इंजेक्शन ही काफ़ी है, इसके अंदर जहर नहीं होता, लेकिन लोग डर के कारण मर जाते हैं। तो सांपों को पहचानना ज़रूरी है, आप वीडियो को देखिए, सांपों की जानकारी लीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, कोबरा एनजीओ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अंशुलदीप शाह और आप देख रहे हैं कोबरा एनजीओ यूट्यूब चैनल। वालो वालो भाई और नहीं।